कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खैरा 9 साल पुराने NDPS मामले में जमानत पर बाहर है, इसीलिए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि खैरा की जमानत याचिका को खारिज कर सके। आज सुप्रीम कोर्ट सुखपाल सिंह खैरा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और पंजाब सरकार इस बात पर जोर देगी कि सुप्रीम कोर्ट सुखपाल सिंह खैरा की जमानत याचिका को खारिज करे। पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुखपाल सिंह खैरा की ओर से भी कैविएट फाइल दायर की गई है। हालांकि पंजाब सरकार ने कैविएट फाइल का विरोध किया है। खैरा के बेटे एडवोकेट महताब खैरा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल दाखिल की जाएगी। 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 28 सितंबर 2023 को फाजिलका पुलिस ने सुखपाल सिंह खैरा को NDPS के 9 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच खैरा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद 9 जनवरी को हाई कोर्ट ने खैरा की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। जमानत मिलने के बाद भी खैरा जेल में ही रहे। 9 जनवरी की सुबह 3 बजे कपूरथला के सुभानपुर थाने में खैरा के खिलाफ नया केस दर्ज किया गया। फिर 15 जनवरी को इस मामले में कपूरथला कोर्ट से खैरा को जमानत मिल गई। सुखपाल खैरा 115 दिन बाद जेल से बाहर आए। कल सुखपाल सिंह खैरा ने भी कहा था कि भगवंत मान सरकार पंजाब के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मेरे खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए दिशा अपडेट न्यूज के साथ। धन्यवाद। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खैरा 9 साल पुराने NDPS मामले में जमानत पर बाहर है, इसीलिए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि खैरा की जमानत याचिका को खारिज कर सके। आज सुप्रीम कोर्ट सुखपाल सिंह खैरा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और पंजाब सरकार इस बात पर जोर देगी कि सुप्रीम कोर्ट सुखपाल सिंह खैरा की जमानत याचिका को खारिज करे। पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुखपाल सिंह खैरा की ओर से भी कैविएट फाइल दायर की गई है। हालांकि पंजाब सरकार ने कैविएट फाइल का विरोध किया है। खैरा के बेटे एडवोकेट महताब खैरा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल दाखिल की जाएगी। 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 28 सितंबर 2023 को फाजिलका पुलिस ने सुखपाल सिंह खैरा को NDPS के 9 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच खैरा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद 9 जनवरी को हाई कोर्ट ने खैरा की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। जमानत मिलने के बाद भी खैरा जेल में ही रहे। 9 जनवरी की सुबह 3 बजे कपूरथला के सुभानपुर थाने में खैरा के खिलाफ नया केस दर्ज किया गया। फिर 15 जनवरी को इस मामले में कपूरथला कोर्ट से खैरा को जमानत मिल गई। सुखपाल खैरा 115 दिन बाद जेल से बाहर आए। कल सुखपाल सिंह खैरा ने भी कहा था कि भगवंत मान सरकार पंजाब के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मेरे खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए दिशा अपडेट न्यूज के साथ। धन्यवाद।